ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर आज डोलरिया तहसील के समस्त किसान बंधुओं द्वारा धरना प्रदर्शन तहसील के सामने किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि जब तक की फसल नुकसानी सर्वे के आदेश ना हो जाए हम यहां से नहीं उठेंगे। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि डोलरिया तहसीलदार महोदय का कहना है कि इसके लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद किसानों का कहना है कि तब हम जब तक धरने पर बैठेंगे जब तक कि वह अधिकारी ना आ जाए जिसके पास सवे के अधिकार होते हैं। भाई आज क्या है, आज अचानक सुबह प्रातः 7 बजे ओलावृष्टि हुई है इस डोलरिया तहसील के विभिन्न ग्रामों में और पूरे क्षेत्र के किसान यहाँ पर बैठे हैं। तहसीलदार महोदया को ये वो दिया ज्ञापन दे करके कहा है कि आप ये सर्वे दल गठित करके इसकी जांच करवा लीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसके पावर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ये बैठे कि कौन को पावर है, वो आके बोले भाई कब से सर्वे दल गठित हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सारे किसान बैठे, सारे किसान संगठन बैठे हैं जी। डोलरिया तहसील के अंतर्गत जितने भी किसान संगठन हैं वो सब एक साथ बैठे, उसके सब प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे। अच्छा भाई साहब, जैसे मान लो अभी ये सर्वे नहीं करते हैं तो फिर आपकी क्या रूपरेखा है? सर्वे क्यों नहीं करते हैं, करना पड़ेगा उनको सर्वे। हम बैठे हैं जब तक वो सक्षम अधिकारी इनके SDO SDM महोदय से बात हुई है हमारे किसान साथियों की, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटे से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो हम इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। अगर वो 1 घंटे में नहीं आते हैं तब हमारी आगे क्या आते हैं, तो हम अगली रणनीति ये बनाइए कि जब तक हम लोग ये आदेश इनके पारित नहीं हो जाए जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। बैठे हैं सब लोग यहाँ पर जी भाई साहब, आज हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि अगला आदेश नहीं आया इनका सर्वे का। जब तक हम लोग सब कम्बाइंड यहाँ जितने भी संगठन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं और किसान हैं, सब एक साथ बैठे रहेंगे, यहीं दाल बाटी बनाएंगे या भूखा रहेंगे। वो बात भी रह सकते किसान, जब हमारी फसल ही चौपट हो गई है तो एक दिन हम भूखा रहेंगे तो उससे मर नहीं जाएंगे, हम रात्रि विश्राम भी यहीं करेंगे जी। मतलब सर्वे एक दल गठित नहीं होता है तब तक किसान अपनी मांग पे अड़े रहेंगे। बिल्कुल अड़े रहेंगे यहाँ जी, जब तक कि हमको यहाँ से आश्वासन पूरा नहीं मिल जाता है तहसील से या SDM या कलेक्टर महोदय जिनसे भी सक्षम अधिकारी जो भी हमको यहाँ से आश्वासन नहीं देगा जब तक यहाँ से किसान उठेगा नहीं जी भाई साहब। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जिला महामंत्री देवकीनंदन गौर, जैसा कि अभी सुबह 6 से 7 बजे जो घटना हुई है, ये ओलावृष्टि हुई है जिसमें नुकसान हुआ है डोलरिया तहसील में, प्राय सभी जगह नुकसान हुआ है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग धरने पर बैठे हैं और जब तक सक्षम अधिकारी कोई पूरा आश्वासन नहीं देते हैं जब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। रात भर पर 2 दिन हो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक कि सर्वे दल गठित नहीं होता, जब तक सर्वे दल गठन नहीं होता जब तक हम लोग यहीं पर अनशन पर बैठे रहेंगे। भाई साहब, भाई साहब बोलो ना, बोलो भाई साहब, आप कहाँ से हैं? मैं डोलरिया से हूँ जी। फसल गिरी है आपकी? जी हाँ। क्षेत्र में नुकसान है बहुत ज्यादा। कैसे? ओला और हवा से जी। आप ज्ञापन, आप यहाँ पे प्रतिवेदन दिया है? प्रतिवेदन भी दिया है और मैंने वीडियो बना के डाली है जी, और मैंने दोनों पार्टी तीनों पार्टियों को जो कहना था वो भी किया है, और मैंने तो गाली और नहीं दी, नहीं तो बस गाली भी देता मैं जी। जी जी जी, अभी मतलब जैसे आपकी क्या मांग है, क्या करवाना चाहते हैं? सर्वे कर लें। मैडम के पास गए तो मैडम बोल रही है कि मुझे पावर नहीं है। पावर कौन के पास है भैया? अच्छा अच्छा, पावर वालों बैठे जहाँ, फिर बेगर तहसील तहसीलदार महोदय का कहना यह है कि मेरे पास सर्वे कर, सर्वे दल को गठित करने या सर्वे कराने का पावर नहीं है जी। भाई साहब जी, आप कहाँ से भाई साहब? भाई साहब मैं डोलरिया से हूँ। अच्छा, आपकी पहले दो तारीख में भी फसल गिरी थी क्या? 2 तारीख में भी जो बारिश हुई थी आपने उसका आवेदन दिया था? दिया था मैडम को, मैडम ने बोला था कि मैं हमें इसे आगे कलेक्टर महोदय को देंगे और उसके बाद वो हमें सर्वे के लिए आदेश देंगे तभी हम सर्वे करेंगे। तो उसका आदेश अभी तक नहीं आया? उसका आदेश अभी तक नहीं आया है। अच्छा, उसकी जानकारी ली गई तो बोले कि अभी कोई आदेश आया नहीं है, हमें जैसे ही आदेश आएगा हम वैसे ही सर्वे कराएंगे। जी जी जी, हमारे पास जब तक आदेश नहीं आएगा हमें सर्वे कराने का या दल गठित करने का पावर नहीं है। जी जी, किसान एक तो जिंदाबाद।
कॉपी दे दूंगी मैं आपके। मंजूरी आएगी क्या? कॉपी दे दूंगी मैं। भाई काम तो अच्छा अभी रिसीव रिसीव जानकारी मतलब कब तक आपका दल गठित हो रहा है? तब जैसे आदेश आएगा आप लोगों को। अरे मैडम जी जैसे मैंने हम आपसे चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करें। ये सारी बातें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मुझे इसके पावर नहीं है। तो इनके वरिष्ठ अधिकारी से भी पूछा जा रहा है मैडम जी से, उनके कलेक्टर से, एडिशनल कलेक्टर जो भी बात कर रहे हैं, तो उनसे बात कर रहे हैं भाई सत्र में आप क्या कर रहे हैं? अनावश्यक सवाल नहीं कर रहे। चाचा जी एसडीएम को यहीं पे बुलाओ ना चाचा जी। हमारा ठीक है एसडीएम का वहाँ कलेक्टर भी आ जाएंगे। नहीं किसानों का गुस्सा जायज है कि फसल खराब हो जाने के कारण। अरे एक मिनट ठीक है चल रोड पे बैठेंगे। एसडीएम आगे वही बात करें मतलब क्या एसडीएम हम तो चाहते हैं कि अपन रोड पे बैठे और एसडीएम आगे सही है बात करें। क्यों बात करें पावर पावर वाले बात करेंगे रोड पर। अब तो चाहते हैं दंगा ना हो, आराम शांति से सब कुछ निकल जाए, आराम से बढ़िया हो जाए। हम तो सब चाहेंगे आप
चुप रहना हेलो वो ये ओला हम बैठे हैं तहसील महोदय तहसीलदार महोदय के साथ बैठे हैं सब लोग किसान और किसान किसी में तो ये इनको ये सर्वे दल का आदेश करवाना है कलेक्टर महोदय को मीटिंग में किसी में बैठे हैं तो जो आप बात कर लो ना आप बात करिए जो मैं आपको किस तरह
ठीक बात है, आदेश पूरे उसके निकलेंगे और जो पत्र में पड़ेगा उसके लिए आप तैयार पूरे गांव का नुकसान होता है, नुकसान होता है तो सबका पच्चीस का पूरा ये जो है ना, ये जो है ना, ये जो है उसके योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। ये कोई नियम बनाने का नियम नहीं बनाना, ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये बात जो अलग है, आप ले आप तहसील की तहसीलदार है और आप कहीं मुझे कोई पावर इसके नहीं, ये हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बात गलत है। लेकिन जो सरकार की जो योजना है ना, उनको इधर उधर ये कर नहीं सकते, जो ऊपर से बन के आ सकते हैं। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, तो ये मानो या तो इन्हें पल्ले नहीं पड़ेगा, ये नियम वहां से बनते हैं। आपका नाम? जय श्री बलराम, मैं ललित सिंह चौहान, डोलरी तहसील निवासी, भारतीय किसान संघ में सतत कार्यरत हूँ। ऐसे हमारे क्रांतिकारी संगठन के लोग और भारतीय किसान संघ और सभी संगठन के लोग इसमें मौजूद हैं आज, क्योंकि ये समस्या पूरे हमारे तहसील क्षेत्र की है। दो मार्च को भी हमारे यहाँ पे हवा पानी से फसल गिरी थी, उसका प्रतिवेदन दिया है, उसमें भी यही जवाब मिला था कि मेरे पास सर्वे के पावर नहीं है। आज हम 18 तारीख को जब सामूहिक तौर पे जब नुकसान हुआ तहसील क्षेत्र में, तो सर्वे की हमने मांग करी है। सर्वे की मांग हम बार बार करते हैं, तहसीलदार महोदय से हमको एक ही जवाब मिलता है कि हमारे पास पावर नहीं है। आपके पास फायर ब्रिगेड मांगो जब भी पावर नहीं है, क्योंकि ये आग लग जाएगी तो फिर तहसीलदार पूछाएगा कौन पूछवाएगा एक पावर। और सभी संगठन, सभी किसान बंधु, यहाँ पे सारे किसान बंधु हैं, आज कोई संगठन नहीं समझ लो, आज सभी किसान हैं, ये किसान दुखी हैं। अगर हमारे पास आज हमें सही जवाब नहीं मिलता है, हमारी समस्या का हल नहीं होता है, तो हम इस समस्या विकराल रूप लेगी आगे। और आज हम चाहते हैं कि हमारी तहसील में जिसके पास पावर है वो भी बैठे, एसडीएम के पास पावर है तो एक दिन एसडीएम बैठे, हमारे एसडीएम साहब को भी यहाँ पे ये घोषणा वाले एसडीएम को यहाँ पे चार्ज है वो बैठते नहीं है, एक दिन एसडीएम बैठे। सोमवार के सोमवार सारे पटवारी हल्का में मिले, पटवारी भी नहीं मिलते हैं। आज भी जब समस्या है तो ना पटवारी हल्के में है ना तहसील में है, ये सब चीजें हैं। और हम किसान लोग आज ये फैसला करके ही जाएंगे कि आपके पास क्या पावर है क्या नहीं है, हमें आज बता दो, क्योंकि तहसील की जो मांग होती है वो तहसीलदार से होती है, तहसीलदार के पास अगर पावर नहीं है सर्वे का तो किसके पास है। और सर्वे हम बीमा राहत राशि इसके लिए तो हम करवा ही रहे हैं, मगर सर्वे के बाद जो एक सर्टिफिकेट एक पंचनामा जो मिलेगा किसानों को, उसमें फसल बिक्री के समय उसको FAQ के मापदंड से भी छूट मिले, क्योंकि फसल ऐसी खराब हो चुकी है कि अब जो ओला गिरा है उससे जो बाले हैं वो काली पड़ जाएंगी, उसमें से धुआं निकलेगा और जो फसल दाना भी काला पड़ने लगेगा और टूटेगा दाना और मिट्टी भी साथ में आएगी, तो FAQ के मापदंड में नहीं आएगा, तो उस किसान के तो यहाँ भी मार पड़ गई कि एवरेज कम आएगा और दूसरा बिकना भी नहीं है, तो कम से कम उसमें तो राहत मिल जाए, ये हमारी मांगे हैं। और आज अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये हमने जो 16 तारीख को जो आंदोलन की किसानों ने चेतावनी दी थी वो हमने किसान हित में, जनहित में, जन समूह के हित में हमने फैसला वापस लिया है कि कोरोना वायरस जो चल रहा है अब, मगर हम ऐसा करेंगे कि सारे अधिकारियों को कोरोना हो जाएगा, ऐसा कोरोना होगा कि इसका इलाज जिंदगी भर नहीं मिलेगा। इसलिए भाई साहब हमारी विनती है, प्रार्थना अभी भी है कि हमारी समस्याओं का हल करें और जो सक्षम अधिकारी है वो मौजूद हों। किसान अभी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। कोई आने वाला है क्या अभी? SDM साहब से चर्चा हुई है, SDM साहब बोल रहे हैं कि हम एक घंटे में पहुंच रहे हैं, तो हमारा निवेदन उनसे भी ये भी था कि आप पहुंचे, समस्या देखें, मगर ये तो करें कम से कम कि आपके पास सक्षम अधिकारी पास आदेश है तो आप आदेश तो दे दें उनको एक घंटे में, कम से कम वो दल गठित कर लें, वो आदेश लिखित नहीं देंगे, वो आएंगे देखेंगे तब दल गठित होगा। अगर ये 10 दिन में हमारा दल गठित नहीं होता है तो हमारी फसल कट जाएगी, फिर ये दल गठित करेंगे जब उसके बाद क्या होगा, फसल कटने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है ना, दिखता ही नहीं है, अफसेस ही अफसेस मिलते हैं डेंटल। ठीक जाओ सर, और कोई दिक्कत नहीं, आप भी दे दो।